अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाली प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने एक बार फिर दुष्कर्मियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि दुष्कर्मियों को बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर महू के कोदरिया गांव में पहुंची थी। यहां उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म तो आरोपी समाज में करता है, लेकिन उसको सजा जेल की चार दीवारी के बीच दी जाती है। ऐसा करने से अन्य अपराधियों में भय नहीं रहता है। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर फांसी देकर लटके रहने दिया जाना चाहिए, ताकि अन्य अपराधियों में भय पैदा हो। मंत्री ने आगे कहा कि दुष्कर्मियों का अंतिम संस्कार भी नहीं करना चाहिए, उनका शव चील कौए नोच कर खाएं, इससे अन्य अपराधी ऐसा अपराध करने से डरेंगे। यही नहीं, मंत्री उषा ठाकुर ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि मानव अधिकार आयोग भी भाड़ में जाए, ऐसे नर पिशाचों का क्या मानव अधिकार। मैं ये चाहती हूँ कि एक हस्ताक्षर अभियान चले। होता क्या है, अपराध तो अपराधी ने समाज में किया, उसको फांसी कहाँ मिली, जेल में एकांत में जाके किसी ने देखा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, किसी के मन में भय पैदा ही नहीं हुआ कि इसको फांसी कब हो गई। लोग की भी याददाश्त कमजोर रहती, हुई घटना भूल गए। मैं ये चाहती हूं कि बेटियों के बलात्कारियों को चौराहे पर फांसी दे दो और उनका अंतिम संस्कार भी नहीं होने देंगे। लटका रहने दो साले को फांसी पर, चील कौवे नोच नोच के खा जाए। और जब सब लोग इस दृश्य को देखेंगे तो फिर दोबारा कोई बेटियों को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। सब तैयार है ना? तो हस्ताक्षर अभियान के लिए पत्रक लेकर सतीश आएगा, ये सरपंच है अपना, तो हर बेटी हर माँ उस पत्रक में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, मतदाता क्रमांक लिखकर हस्ताक्षर करेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अपराध तो ये समाज में करते हैं, वो फांसी इनको एकांत में हो जाती है तो इनके दिल दिमाग में दहशत नहीं है, इन्हें चौराहों पर फांसी दे दो और इनका अंतिम संस्कार मत होने दो, भाड़ में जाए मानव अधिकार आयोग। ऐसे नर पिशाचों का क्या कोई मानव अधिकार हो सकता है? तो हम उसमें ये लाइन भी लिखेंगे कि ऐसे नरपिशाचों का कोई मानव अधिकार नहीं होता, इन्हें फांसी पे टंगे टंगे चील कौवे खाएं, ऐसा ठोस निर्णय जब होगा तो बेटियों की तरफ देखने से पहले हजार बार आदमी सोचेगा।